के किसान भाइयों के साथ हैं और इस मामले में हम जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे और जिस तरह का भी आंदोलन होगा, ये तो आंदोलन की धरती है। महात्मा गांधी यहाँ से हुए हैं, सरदार पटेल यहाँ से हुए, यहाँ तो किसान की मुक्ति की लड़ाई है, इनसे सरदार पटेल ने शुरू की, ये तो वो क्षेत्र है, वीरों का क्षेत्र है और यहाँ पे इस तरह की घोषित इमरजेंसी लगा के ये क्या तरीका है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले आए। पूरा देश इस तरह से कोई किसी के बपौती नहीं है, ये देश सब हम सब का, हम सब उतना ही अधिकार है। प्रधानमंत्री कहते हैं देश एक है, मार्केट एक है, बाजार एक है, तो एक दूसरे जगह जाके हम किसान एक दूसरे से वार्ता नहीं कर सकता, उस पर प्रतिबंध है। ये निंदा हम करते हैं, ये इनकी इस व्यवहार की निंदा करते हैं और किसान आंदोलन जितना ये उत्पीड़न करेंगे उतना मजबूती से देश में खड़ा हो, ये क्रांति है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की क्रांति, कोई दबने वाला नहीं। गलत फहमी है, इन्होंने किसान को छेड़ा, अभी तक दूसरे वर्गों को छेड़ के इन लोगों ने शायद हो सकता है दबाया हो, अब की दफे इन्होंने किसान को। बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुलिस जो पुलिस आपके कार्यक्रम में आई है यहाँ पे, आप क्या कहेंगे? ये गलत है, ये मतलब ताना चाहिए, ये समझे डिक्टेटरशिप है और उसी की वजह से प्रशासन का रवैया वार्ता करना, प्रेस से बात करना कोई गुनाह नहीं है, वो भी ये डेमोक्रेसी राइट है, कोई भी आदमी अपनी बात रख सकता है, अपनी बात को कर सकता है, इस तरह का व्यवहार कर चलो તમે ખરેખર ખેડૂતના દીકરા છો એ તમે વિચાર કરો, પણ કાયદો ચૂંટણી હોય, અત્યારે ગાંધીનગરની ચૂંટણી છે ઓકે વાંધો કિસાન દિલ્હી જવા ચાહે આ જાઉં કોઈ ભાગ નહીં રહો ચલા જાઉં મેં બાત કર પરવા કરતે ક્યાં હોને વાળા ક્યાં નહીં હોને વાળા યે સબ સાધારણ ચીજ હૈ કેદ મેં તો ગાંધીજી બહુ સમય રહે થે હમ હમ બંધ હો જાયેંગે તો હમારા ક્યાં ફરક પડતા હમારા કોઈ ફરક નહીં પડતા હમ અપની બાત કો કહે કે રહેંગે પ્રયત્ન કરી માત્ર કોન્ફરન્સ જેવું સામાન્ય ભાષણ થાય
आपने राकेश टिकैत जी भी आ गए और पुलिस ने यहाँ पे अटैक करनी शुरू कर दी गुजरात में पूरे देश को ये पता अच्छा है। वहाँ तो नहीं क्या पुलिस स्टेशन जाओ नहीं है और हमने तय कर लिया है कि गुजरात के बारे में पूरे देश का निशान पड़ा होगा। हम इस बात की परवाह करते हैं कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, ये सब साधारण चीज है। कैद में तो गांधी जी बहुत समय रहे थे, हम बंद हो जाएंगे तो हमारा क्या फर्क पड़ता, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी बात को कह के रहेंगे। હાલ પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી છે। પોલીસ क्रिमिनल के साथ भी ऐसा नहीं होता। તો અત્યારે હાલ જો કહી રહ્યા છે કે તેઓ ક્રિમિનલ નથી, અહીંયા માત્ર ને માત્ર તેઓ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવા માટે આવ્યા હતા, અને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી છે ગુજરાત બોર્ડર ભલે કંઈ પણ થાય પરંતુ તેઓ આગામી સમયની અંદર આ આંદોલનને જારી રાખશે એટલે કાર્ય કરી રહ્યા છે, અને અત્યારે હાલ એમની અટકાયત જે છે એ પણ કરવામાં આવી છે। થોડી વાર પહેલા જ પોલીસ
गुजरात के किसानों को क्या कुछ तेल का प्रदेश है, इकट्ठे हो जाए और लड़े इस उत्पीड़न के खिलाफ। गुजरात में